आज की वीडियो में क्लास एट का मैथ पढ़ाऊंगा और उसमें फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूंगा। तो क्लास एट का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि रेशनल नंबर होती क्या है। तो देखिए, इंग्लिश में अगर हम समझें तो ये कह सकते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू और ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। हिंदी में बता दूँ, हिंदी में जो लोग हिंदी में समझना चाहें तो रेशनल नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं या किसी भी नंबर को आनुपातिक रूप में लिखा जाए तो वो रेशनल नंबर कहलाती है। जहाँ पर Q जो होता है यानी बटे की जो नीचे वाले जो डिजिट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये P अपॉन Q लिखा हुआ है, ठीक है। तो P अपॉन Q ये जो फॉर्म है वो एक रेशनल नंबर कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए Q का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो होती हैं काउंटिंग में जिनको हम यूज करते हैं, वो सभी आपस अपने आप में एक रेशनल नंबर होती है। कैसे होती है मैं समझा दूंगा। देखिए मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, अप टू डॉट डॉट। तो ये जितनी भी हमने नंबर यूज किए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको हम रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं? देखिए अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसके नीचे भी 1 लगा दूँ तब भी इसकी वैल्यू 3 रहेगी, ठीक है। 4 के नीचे 1 लिख दें तब भी इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए तो वो रेशनल नंबर होता है। तो चलो इसको मान लेते हैं हम पी और इसको मान लेते हैं हम Q। तो P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 1, P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Q के बराबर में 0 नहीं है, Q 0 से ऊपर है या माइनस में है तो वो रेशनल नंबर हो सकती है। बट यहाँ पर 1 लिखा है तो ये सभी क्या होगी, रेशनल नंबर होगी, ये क्या होगी, रेशनल नंबर। अब सवाल ये उठता है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अब सवाल ये उठता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, 0। तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए मैं इसके स्थान पर p के बराबर में 0 लिख देता हूं और q के बराबर में 1 लिख देता हूं, तो हम यहां लिखेंगे 0.2 या 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या कहते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर है। अगर पी की कोई कंडीशन दी है तो वो तो दी नहीं है, केवल क्यू की फॉर्म बताया, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं हो रहा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 0 आल्सो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं 0 भी एक रेशनल नंबर है। चलिए और इस चैप्टर में मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा, बाकी के आपको खुद करने हैं, इसी एक्सरसाइज के कुछ सवाल लगाऊंगा, तो आपको मेरे साथ ये समझने हैं और जो क्वेश्चन जो एक एक लगाने के बाद जो बचेंगे वो आपको अपने आप लगाने हैं। तो शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी हुई रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट यानी इनके ही समान समतुल्य हमें 4 और फ्रैक्शन लिखने हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है सी पार्ट लिखा हुआ है माइनस का 12/30, ठीक है, माइनस का 12/30 लिखा हुआ है। अब इस फ्रैक्शन यानी इस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट हमें 4 और नई लिखनी है, 4 और न्यू फ्रैक्शन लिखनी है या रेशनल नंबर्स लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, पहले इसकी रेशनल इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस के 12/30 में हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों के ऊपर नीचे करा देते हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा माइनस के, और नीचे कितना हो जाएगा, 26। ये पहली होगी ये। अब इसके बाद सेकेंड निकालेंगे तो माइनस के 12/3 कर देंगे और नीचे भी 13/3। हमें करना क्या है, वो फ्रैक्शन वैसी लिखनी है, केवल मल्टीप्लाई करनी है नेक्स्ट नंबर का,
थ्री कर दिया, यहाँ भी थ्री। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टू कर दो या फाइव कर दो या अलग अलग, एक ही संख्या हमें दोनों नंबर में करनी होती है एक ही नंबर से। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 और 39। चिन्ह का ध्यान रखना है, साइन लगा हुआ है माइनस का तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आता है। चलिए थर्ड करेंगे, इसका थर्ड निकालेंगे इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा माइनस के 12 इंटू, अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 4, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 48, 12 फोर जै 48 अपॉन 13 फोर जै 52, और यहाँ इसका माइनस का साइन लगा देंगे। इसी प्रकार चौथी निकालेंगे इसकी, फोर्थ निकालेंगे इसका नंबर, तो ये हो जाएगी माइनस की 12 अपॉन 12 इंटू 5 और अपॉन 13 इंटू 5, तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर माइनस का 60 अपॉन 65। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया, बाकी के अपने थर्ड पार्ट जो थ्री पार्ट दिए गए हैं वो अपने आप खुद आपको करने पड़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस 21 अपॉन माइनस 8 एज ए डेसिमल नंबर विद डिनोमिनेटर 24। इसको बता दें, समझा दें हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि 21 अपॉन माइनस 8 ये एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको ऐसे रूप में लिखना है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 24 आना चाहिए, यानी माइनस 8 की जगह पर यहाँ कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, ऐसी कोई इसी के इक्विवेलेंट हमें डेसिमल नंबर लिखनी है। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लाना है कि इसकी जगह पे 24 लाना है। ठीक है, अब 24 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सोचते हैं, अगर हम यहाँ पर माइनस को भूल जाए कुछ दे दीजिए तो 8 बचेगा। अब 8 में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं जो 24 हो जाए, सीधी सी बात है 3 का मल्टीप्लाई अगर करा दें तो 24 हो जाएगा, तो हम यही करेंगे 8 में 24 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 24 आ जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ माइनस दिया है यहाँ प्लस की 24 लाने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस के ही 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस हो जाता है, और 8 का 3 में कराएंगे 24। ठीक है, जिस तरीके से आपने 8 में 3 में मल्टीप्लाई कराया तो हमें क्या करना पड़ेगा ऊपर भी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और जिसका यहाँ करा रहे हैं उतने ही का ही कराना पड़ेगा, माइनस का करा रहे तो माइनस का ही 3 का कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का आंसर आएगा 63, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे हमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो एक कोई ले लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, लिखा है सी लिखा है माइनस वन अपॉन माइनस के 5, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है इसके लिए, ठीक है, और लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, हर लाइन में मैंने आपको पहले की क्लास में बताया है, जो 6 में पढ़ रहे थे बच्चे 7th में पढ़ रहे थे उनको मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से इसमें लाइन को हम डिवाइडेशन करते हैं। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर हमने ये दिखाना है, अब देखने वाली ये बात है दोनों के पास माइनस है, अगर इसके दोनों के हम माइनस खत्म कर दें तो आंसर में क्या आएगा 1/5 को हमें इस पर शो करना है नंबर लाइन पर, तो ये हमने मान लिया यहाँ 0। अब मैंने आपको पहले बताया था 0 के एक साइड होता है पॉजिटिव नंबर और एक साइड होती है नेगेटिव नंबर, हमेशा याद रखना है कि जो राइट होता है राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड की सभी नंबर्स जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो अब हमें 1/5 लाना पॉजिटिव है तो क्या करना है, हमें इधर पे दिखाना है 0 के राइट साइड में दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्लॉक बना देते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं और इसमें दिखाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/1 और 1/2 1/3 1/4 और अगली बार दिखा देंगे 1/5 1/6 और 1/7, आगे आप ऐसे दिखा सकते हो आगे, लेकिन हमें दिखाना कितना है 1/5 को, तो 0 से लेकर 1/5 तक ये क्या हो गई यहाँ पर हमारी नंबर लाइन पे शो कर दी मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, अगर माइनस में मान लीजिए ये होता तो हमें इधर को दिखाना होता 0 के लेफ्ट साइड में। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी पार्ट में 15/-7, तो जब आप माइनस के दिखाओगे तो 0 के लेफ्ट साइड में दिखाओगे। ठीक है,
और अगर पॉजिटिव नंबर है तो जीरो के राइट साइड में लिखाओगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का नंबर डाल के इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके नीचे आप लिख सकते हैं, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से प्रॉब्लम होती है ज़्यादा देर तक चलने से। इतना आपको वर्क करना है, और इसके जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिनके पास बुक्स हैं वो लोग अपनी बुक्स में एग्जाम्पल्स देखें, समझें, ठीक है। अगला वीडियो जल्दी ही आपको बनाकर भेज दिया जाएगा, और पढ़ते रहें बाकी के सब्जेक्ट पर ध्यान दें, ठीक है।